भोजपुरी सिनेमा के सबसे छोटे एक्टर और सिंगर के तौर पर अपनी पहचान बनाने वाले हीरो अरविंद अकेला कल्लू से जोड़ी आज हम आप लोगों को एक ऐसी खबर बताने जा रहे हैं जो बातें शायद ही आप लोग जानते हों। जी हाँ, क्या आप लोगों को मालूम है कि कल्लू इस बार मलेशिया में होने वाले अवार्ड शो में शामिल क्यों नहीं हो पाए? नहीं पता तो चलिए आप लोगों को हम बता देते हैं। दरअसल इस समय पर कल्लू अपने बोलबम गाने की शूटिंग में काफ़ी ज़्यादा व्यस्त हैं, जिसमें हाल ही में उनके दो बोलबम गाने रिलीज हुए, जिसमें पहले गाना था कांवड़ सजा के देवघर चला, जो कि हाल ही में सोशल मीडिया पर रिलीज हुआ है और इस गाने को दर्शक ढेर सारा प्यार दे रहे हैं। इसके अलावा अलग अलग गाने कल्लू के रिलीज हुए हैं, जिस कारण वो इस बार अवार्ड शो में शामिल नहीं हो पाए थे। वैसे इस समय पर कल्लू की फिल्म की बात करें तो कल्लू की हाल ही में फिल्म की शूटिंग बब्बर पहले शेड्यूल खत्म हो चुका है, बहुत जल्द ये दूसरे शेड्यूल की शूटिंग भी शुरू करने वाले हैं। कल्लू की लगातार इस व्यस्तता को देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि दर्शकों के अलावा फिल्म मेकर्स के बीच भी इन दिनों कल्लू की लोकप्रियता काफी ज्यादा बढ़ गई है। तभी तो जहां कल्लू के गाने आते ही हिट हो जाते हैं सोशल मीडिया पर, तो वहीं आजकल उनकी फिल्म कई हफ्तों तक सिनेमाघरों में धमाल मचाती है। इसका एक उदाहरण उनकी फिल्म अवारा बलम का ही ले लीजिए, जो कई सप्ताह तक सिनेमाघर में चलती रही। बिहार और झारखंड में अच्छा रिस्पॉन्स मिलने के बाद इस फिल्म ने मुंबई में काफी अच्छा कारोबार किया और खेसारी की फिल्म दुल्हन गंगा पार को जमकर टक्कर भी दी। तो वहीं इस बार सोशल मीडिया पर कल्लू अपने बोलबम गीतों से भी बाकी के सिंगरों को भारी टक्कर देते हुए नजर आने वाले हैं। हाल फिलहाल में कल्लू के जितने गाने रिलीज हुए हैं वो सारे गाने ऑडियो सॉन्ग हैं, लेकिन बहुत जल्द आपको कल्लू के इन सारे गानों का वीडियो भी देखने को मिलने वाला है। नेक्स्ट 9 न्यूज भोजपुरिया की रिपोर्ट। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।